कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। यही धानी जिला में खुदा फरोज के कंसर एल पी ए मोहम्मद यूसुफ फरोज साहब। या बैठे मेरे बुजुर्गों भाइयों माओ बहनों अस्सलाम वालेकुम और आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसील में तकरीर नहीं करना चाहूँगा। मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि नुमान भाई ने महफिल करवाई है, आप भी थोड़ा गर्म वाली तकरीर करो, लेकिन मुझे ये गर्म जोशी वाली तकरीर आती नहीं है। हम लोग हमेशा मोहब्बत वाले मिलनसार हैं, तो एक भाई ने गर्म किया, मैं थोड़ा आप लोगों को ठंडा करता हूँ। कुछ शिकायत जो मैं वाली सफिया जो वैसे ही 24 घंटा गर्म ही गर्म रहती है, उनकी बात पे फिर मैं भी वैसी ही बात करूंगा कि सदर साहब, जब आपने एज अ सदर पहली मीटिंग बुलाई थी अपने फार्म हाउस पे, वहाँ पे आपने ऐलान किया था कि सजा और जजा होगी, लेकिन माजरत के साथ मुझे नहीं लगा कहीं पे भी कोई सजा या जजा मिली। आपकी मेरे जैसी नरम तबीयत जिसकी वजह से आज पीपल्स पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, पीपल्स पार्टी के इज्जत दिए हुए लोग वो आज हमारे सामने खड़े हुए हैं, और ये तब तक होगा जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे। आप पीपल्स पार्टी के सदर की हैसियत से यहाँ पे डंडा नहीं उठाओगे तब तक ये लोग वैसे ही आप लोगों के सामने आदर्शन में। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अभी हालिया बजाती इलेक्शन में हमारे सामने आ रहा है, चाहे वो सामने से आ रहे हो या चुपके पीठ में वार करने आलो, आप पहचानो उनको, उनको सजा और जजा होनी चाहिए। अगर मैं एज ए MPA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे यहाँ पे MPA बनाया, आप वर्करों ने बनाया, अगर मैं आपकी पार्टी अपनी पार्टी के मुखालिफ बैकवर्ड पीछे किसी और को वर्गला के खड़ा करता हूँ या मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, तो सबसे पहला चौका आप मुझे दो। ये नहीं देखो कि मैं MPA हूँ या नहीं, ये MPA पीपल्स पार्टी का है, मेरा जाति में MPA नहीं, मुझे पीपल्स पार्टी ने MPA बनाया। और सबसे पहला चौका अगर मेरी कोई गलती है या मैं किसी आज़ाद उम्मीदवार को या अपने ही किसी नौकर मोकर को खड़ा करके उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहला शोकाज मेरे पे निकालें, मैं हाजिर हूँ उसका जवाब देने के लिए, या उन पे निकालें जो ये काम कर रहे हैं। और ये नुकसान मुझे भी है, आपको भी है, और हमारे यहाँ मौजूद MNA MPA जो भी यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इज्जत दिए हुए लोग हैं, उन सबका नुकसान है। वो एक नाउम्मीदी की तरफ जा रहे हैं कि कल को ये आजाद जो खड़े हैं ये इस सोच में खड़े हैं कि सुबह हम जीतेंगे तो फिर से हम पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बाद आपकी तकरीर है और यहाँ पे आप ऐलान करें कि जो आजाद खड़ा हुआ है वो सारी जिंदगी आजाद ही रहेगा, उसको पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। और ये आज आपको ऐलान करना होगा, ये वर्कर उसी उम्मीद में बैठे हुए हैं, आपके आगे ही प्रोग्राम है, और थोड़ा बहुत जितना हमें गर्मा सकता था माहौल को मैंने भी गर्माया। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। ये भुट्टो।